स्क्रीन पर जो शख्सियत आपको नजर आ रही है उसकी कहानी जानेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे। आप क्या सोचेंगी अगर मैं आपसे कहूँ कि इस खूबसूरत महिला के पीछे एक लड़का छुपा है? लड़के से लड़की बनी इस महिला की खूबसूरती और संघर्षों की कहानी जानेंगे तो कहेंगे इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं। देव से एला बनी और एला से ट्रांस क्वीन बनी इस लड़की की कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। पता नहीं हमारा समाज हमेशा क्यों भूल जाता है कि ट्रांस लोग आखिर इंसान ही होते हैं और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। आज हम एक ऐसी शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसने दुनिया को ये समझाने पर विवश कर दिया कि पृथ्वी पर जन्म लिए हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताएंगे जिसने बाद में एक खूबसूरत लड़की का रूप लिया तो दुनिया हैरान हो गई। एलडी वर्मा का जन्म 25 अगस्त 1998 को दिल्ली में भारत में हुआ था। जब एला का जन्म हुआ तो वो एक लड़का थी। जीवन में सारी परेशानियां और संघर्षों का सामना करने के बाद एला अब सबसे मनोरंजक सोशल मीडिया प्रभावितों सामग्री निर्माताओं और मॉडलों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। एला डी वर्मा की उम्र 2023 तक 25 साल है। एला डी वर्मा की कहानी के बारे में जानने के लिए और भी कुछ बहुत कुछ खास है तो चलिए एला डी वर्मा के शैक्षणिक विवरण के साथ आगे बढ़ते हैं। एक इंटरव्यू में एला वर्मा ने अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए बताया कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एला आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि वो अब देव से एक लड़की से एला लड़की बन चुकी थी, लेकिन 10वीं और 12वीं के नतीजे के बाद वह अब देव ही थी। उनके लिए 10वीं और 12वीं के नतीजों में इन विवरण को सही करवाना बहुत मुश्किल था। एला ने यह भी कहा कि जब वह अपने माता पिता के साथ अपने आधार कार्ड के विवरण बदलने गई तो सरकारी एजेंटों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसलिए एला वर्मा जज के रूप में भाषण देने के लिए कई कॉलेज में तो गई लेकिन एक छात्र के रूप में कभी कॉलेज नहीं जा सकी। एला के लिए ऐसे समाज में रहना आसान नहीं था जो उन्हें स्वीकार करने की बजाय हर कदम पर ताने देता था, उनका शोषण करने से पीछे नहीं हटता था। इसलिए उदास और परेशान देव और उनके माता पिता ने फैसला किया कि अब देव ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा ताकि उसका जीवन कम से कम आसान हो जाएगा। इस फैसले तक उनके माता पिता ने उन्हें ठीक करने की हर संभव प्रयास किया। आखिर में ये बीमारी नहीं थी इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन कोविड-19 महामारी आई और उनकी सभी योजनाओं पर पानी फेर दी। इस समय देव अपने घर आ गया और घर पर अपने परिवर्तन पर काम शुरू कर दिया। जब लॉकडाउन खुला तो देव की जगह एक एला बाहर निकली। अब अच्छी बात तो ये थी कि जिस देव को सब परेशान करते थे वो जब एला की खूबसूरती का कारण एला बनी तो हर कोई उसकी तारीफ करते वक्त पीछे नहीं हटता था। एला वर्मा को मेकअप पसंद था इसलिए उन्होंने अपने मेकअप स्टार ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, साथ ही सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति भी बढ़ाई। उनके एक साक्षात्कार के अनुसार एला में मेकअप की स्वाभाविक प्रतिभा थी, लोग उनकी कला को पसंद करते थे, लेकिन आत्मविश्वास से लवरेज एला अक्सर बड़े प्रोजेक्ट ठुकरा देती थी। उनके परिवर्तन के बाद सारी समस्याएं उनके साथ आत्मविश्वास के साथ कम होने लगी, लेकिन एला ने अपने कम आत्मविश्वास पर काबू पा लिया, अपने मॉडलिंग करियर पर काम करना शुरू किया। साल 2016 में जब एला की उम्र महज 18 साल थी तब उन्होंने अपना और अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए लक्ष्य हासिल किया। एला डी वर्मा प्रसिद्ध भारतीय महिला के अंडरवियर ब्रांड जीवामे के लिए पहली ट्रांसजेंडर चेहरा बनी। एला वर्मा ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया जो नई दिल्ली के एरो सिटी में द प्राइड प्लाजा होटल में एक शो आयोजित हुआ था। मिस ट्रांसक्वीन 2023 अर्शी घोष ने जीता था और एला वर्मा प्रथम रनर अप थी जबकि विक्टोरिया टाइंग दूसरे रनर अप थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज़।